जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा फोर्थ में आज हम अध्याय संख्या 14 भार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भार हर वस्तु का भार होता है ना। तो भार को हम कैसे नाप सकते हैं? भार को तोला जाता है ना। भार किलोग्राम, ग्राम है ना, तो इस तरह से भार ज्ञात किया जाता है। किस वस्तु का कितना भार है, तो किसी का 100 ग्राम होता है, किसी का 200 ग्राम होता है। तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब भार तोलने से परिचय। मेले में राहुल प्लास्टिक का बल्ला लाया। क्या लाया मेले में से? प्लास्टिक का बल्ला। रमेश भी लकड़ी का बल्ला खरीद कर लाया। अब राहुल लाया है प्लास्टिक का बल्ला और रमेश लाया है लकड़ी का बल्ला। ठीक है, तो बताओ दोनों में से कौन सा हल्का होगा और कौन सा भारी होगा? प्लास्टिक हल्का होता है और लकड़ी भारी होती है ना। ये हमने अनुमान लगा के बता दिया, मगर इसको तोलने पे हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा भारी है और कौन सा ज़्यादा हल्का है। दोनों बल्लों को हाथ में लेने पर महसूस हुआ कि राहुल का प्लास्टिक का बल्ला हल्का और रमेश का लकड़ी का बल्ला भारी है। लकड़ी भारी होती है ना, और प्लास्टिक हल्का होता है, तो रमेश का लकड़ी का जो बल्ला है वो भारी था। तभी सुमन बोली, मेरे पापा भी प्लास्टिक की बाल्टी लाए हैं जो तुम्हारी लोहे की बाल्टी से हल्की महसूस होती हैं। अब देखो बच्चों, प्लास्टिक लोहे से हल्का होता है, तो लोहे की बाल्टी क्या हो गई? भारी हो गई, और प्लास्टिक की जो बाल्टी है वो क्या हो गई? हल्की। तभी राहुल बोला, इसका मतलब प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हल्की हैं, है ना। प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हल्की होती हैं, लोहा लकड़ी इन सब की वस्तुएं जो क्या होती हैं? भारी होती हैं। इसी प्रकार क्या हम सभी वस्तुओं के भार का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, हम कुछ वस्तुओं का अनुमान लगा सकते हैं। गणित की किताब और सामाजिक की किताब के वजन का अनुमान लगाना कठिन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, पेपर से बनी हुई है, तो इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसको तोलने पे ही हम अनुमान लगाएंगे, पता कर सकते हैं कि किसका वजन कितना है, क्योंकि किसी में कम पेपर होंगे, किसी किताब में ज़्यादा पेपर होंगे, तो पेपर का जो तोल आए वजन आएगा, ज़्यादा वजन वाली किताब ज़्यादा वजन की होगी। इन वस्तुओं के सही वजन जानने के लिए हमें इन वस्तुओं को तोलने की ज़रूरत होगी, है ना। एकदम सही तरह से अनुमान लगाने के लिए कि भाई कौन सी वस्तु भारी है, एक जैसी दिखने वाली वस्तु को हम कैसे वजन करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की है। पिछली कक्षा में हमने तराजू से दो अलग अलग वजन की वस्तुएँ रखकर पता लगाया था कि कौन सी वस्तु हल्की है और कौन सी भारी है। चित्र देखकर बताइए कि कौन कौन से वस्तुओं का वजन समान है। अब देखिए, दो तराजू है हमारे पास में, है ना। अब एक में तो गेहूं है और एक तराजू में क्या है? चावल है। तो गेहूं भारी होगा, चावल हल्का होगा। ठीक है, गेहूं का बोरा भी बड़ा दिख रहा है ना। तो जो ज़्यादा वजन का होगा वो ज़्यादा मात्रा में उसका वजन ज़्यादा होगा। और इधर देखिए, दूसरे तराजू में क्या दिखाई दे रहा है? एक तराजू में गेहूं है और दूसरे तराजू में फल है। तो देखिए, गेहूं का वजन ज़्यादा होगा, फल कितने होंगे, है ना। फल के मुकाबले गेहूं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो गेहूं का वजन ज़्यादा होगा। दुकानदार वस्तुएं बेचते समय बाट का उपयोग करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बाट रख के, इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी होता है और बाट का उपयोग भी दुकानदार करते हैं। तो जब भी सामान खरीदने जाओ तो बाट सही ढंग से, कौन सा बाट दुकानदार यूज़ कर रहा है ना, उसमें चुंबक वगैरह तो नहीं लगी हुई है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ दुकानदार क्या करते हैं, पत्थर का बाट अनुमान से बोलते हैं कि आधे किलो का है, ये पाव किलो का है, ये एक किलो का है, तो पत्थर लगा के हमें वस्तु दे देते हैं पत्थर के तोल से। मगर हमें उस बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर 100 ग्राम भी पत्थर कम हुआ 1 किलोग्राम से, तो हमारा तो नुकसान हो गया। तो इसलिए हमेशा लोहे के जो बाट होते हैं, उन्हीं बाटों से हमें वस्तु खरीदनी चाहिए। देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लोग दुकानदार फलों की सब्जी दिखाई दे रही है,
दुकान दिखाई दे रही है फल की और सब्जी की, दुकानदार तोल रहा है सामने क्या बाट दिखाई दे रहा है आपको, बाट से सब्जी और फल तोल रहा है। तोल बराबर करने के लिए तुम क्या करोगे, चर्चा करते हैं। अब तोल बराबर करने के लिए कि भी एक किले केले दिखाई दे रहे हैं हमें चित्र में, है ना, तो केले कितने तोल कितने किलो हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 1 किलोग्राम के बाट से तोलते हैं। सामने 1 किलोग्राम है, अब केले रख दिए, अब अगर किलोग्राम से ज़्यादा हुए तो ये झुक जाएगा, केलों का तराजू है जो नीचे हो जाएगा, और अगर कम है तो 1 किलो का जो बाट है उधर की तरफ से ये झुक जाएगा। तो हमेशा तराजू एकदम बराबर में होना चाहिए, तभी हम पता लगा सकते हैं कि हमें एकदम सामान सही मिला है। हम 2 किलोग्राम का बाट रखते हैं तो केले भी हमें ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सामान खरीदते हैं और इस तरह से हम वज़न करते हैं।